पहले तो संसद में मणिपुर के मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ और अब दिल्ली में अध्यादेश को लाने के लिए हंगामा हो रहा है। दिल्ली में सेवा बिल को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। 19 मई को केंद्र सरकार इससे जुड़ा बिल लेकर आई थी, इसके बाद अब इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया जाना है। आपको बता दें, दिल्ली में केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच अध्यादेश को लेकर हंगामा हो रहा है। इसी अध्यादेश पर सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस से समर्थन मांगा था। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि अध्यादेश की मांग क्यों हो रही है। दरअसल अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर इसकी मांग हो रही है। दिल्ली के पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे के मामले के बाद अध्यादेश की मांग हो रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने आशीष मोरे के ट्रांसफर के आदेश जारी किए थे, लेकिन मोरे ने साफ तौर पर इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मोरे ने दिल्ली सरकार के एक मंत्री पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया था। ऐसे में केजरीवाल सरकार अधिकारियों के ट्रांसफर की कमान अपने पास रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि केंद्र सरकार उनकी सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करे। मोरे के ट्रांसफर आदेश का मामला इतना सुर्खियों में आया कि मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया। इसके बाद केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई। अब इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में संसद में पेश किया जाना है। केजरीवाल सरकार इसको पास करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। सोमवार को केंद्र सरकार लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करने वाली थी, लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। अब यह बिल मंगलवार को पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर दिल्ली सरकार पहले से ही केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 11 मई को कहा था कि दिल्ली में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारी चुनी हुई सरकार के पास होंगे, लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड से जुड़े हुए अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेंगे। अदालत ने अपने फैसले में कहा, अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होगा और उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना चाहती है तो उसे उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। इसी का विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।